देव। बहुत सुंदर दृश्य। गुड मॉर्निंग, सुबह के 4 बज रहे हैं। हम नहा धोकर तैयार हो गए हैं और सब लोग चले गए हैं गाड़ी में, मैं रह गई हूँ। अब मैं भी चलती हूँ और हम जा रहे हैं बाबा केदार के दर्शन करने। आज हमारी यात्रा है केदारनाथ की, तो देखते हैं कितने बजे कब पहुँचते हैं। तो हम अभी 4:30 हो गए हैं, तो हम निकल गए हैं। जय बाबा केदार की। बोलो बाबा केदार की जय। बोलो बद्री विशाल धाम की जय। बोलो गंगा मैया की जय। जय। तो 5:24 हो रहे हैं, हम ऋषिकेश पहुंच गए हैं। ऋषिकेश से भी आगे निकल गए हैं हम। अब हम कहाँ जा रहे हैं? प्रयाग की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये देखिए देव प्रयाग है, हम देव प्रयाग पहुँच गए हैं। यहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी का। देखिए कितना सुंदर दृश्य। तो 7:33 हो गए हैं, हम पहुँच गए हैं श्रीनगर। तो श्रीनगर में पानी ले लेते हैं, थोड़ा छोटा मोटा सामान ले लेते हैं और अपनी आगे की जर्नी चालू रखते हैं। तो देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं, तो मैं हर जगह की आपको अपडेट देती रहूंगी। तो अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, चलिए अब आगे की यात्रा करते हैं। 8:07 हो गए हैं, हम पहुंच गए हैं धारी देवी मंदिर। मान्यता है कि केदारनाथ यात्रा करने से पहले इनके दर्शन करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, बहुत अच्छा होता है। केदारनाथ यात्रा में जब आपदा आई थी तो बताते हैं कि इनका ये रुष्ट हो गई थी। उस दौरान इनका मंदिर उस समय शिफ्ट करना सोच रहे थे सरकार। यहाँ डैम बना था, तो डैम बनाने के समय पे इसको धारी देवी मंदिर को इसको शिफ्ट करने की बात हो रही थी। तो शिफ्टिंग के टाइम पे ऐसा हुआ कि इनका बताते हैं कि इनका प्रकोप आ गया था, तो इस वजह से वहाँ पे केदारनाथ में आपदा आई थी। तो यहीं पर फिर इनको थोड़ा सा ऊंचा कर दिया गया, यहीं पे है जहाँ पे ये अभी है गर्भगृह इनका। तो यहीं पे बस ये है कि वहीं पे ऊंचा कर दिया गया ये इस मंदिर को, तो ये मान्यता है इसकी। तो यहाँ से दर्शन करके हम निकलेंगे केदारनाथ यात्रा पर। जय माँ धारी देवी। बताते हैं ये उत्तराखंड की कुल देवी है पूरे उत्तराखंड की। तो मान्यता है कि इनके दर्शन के बगैर केदारनाथ की यात्रा करना अधूरी होती है, तो हम इनके दर्शन कर लेते हैं फटाफट। जय माँ धारी देवी। अब हम मंदिर के गर्भगृह में गए, वहाँ की वीडियो पंडित चाहे मना करें या ना करें, हमने नहीं बनाई क्योंकि ये सब ठीक नहीं होता, ये हमारे सभ्यता के खिलाफ है। तो 9:48 हो गए हैं, शानू को लग रही थी भूख, तो उसने कहा कि कहीं खाना खिला दो। तो रास्ते में हमें एक ये होटल मिला है, अच्छा होटल है, रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे हम नाश्ता करने के लिए रुके हैं। तो मैं धारी देवी के बारे में बताना चाह रही थी, वहाँ पे टाइम नहीं था। तो गुरु शंकराचार्य जब केदारनाथ की स्थापना करने के लिए जब जा रहे थे, तो रास्ते में वो काली रुद्रप्रयाग के पास एक काली मठ मंदिर में रुक गए। तो बताते हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, तो उन्होंने अपने दिव्य नेत्रों से ये जानने की कोशिश की कि मेरी तबीयत खराब क्यों हुई ऐसे इस तरह से अचानक। तो उन्हें रात को जब वो सोए तो उन्हें सपने में माता रानी बच्ची के रूप में आई। तो उन्होंने उन्हें बताया कि तू मेरी दर्शन करे बगैर ही आगे बढ़ गया। तो फिर उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। तो बताते हैं कि जो माता की क्षमा प्रार्थना है जो हम सुनते हैं
तो वो संस्कृत में उन्होंने क्षमा मांगी माता रानी से, तो माता रानी ने उन्हें क्षमा करा, तो उन्हें पानी पिलाया उन्होंने सपने में। तो सुबह जब वो उठे तो बिल्कुल तरोताज़ा उठे, वो समझ गए थे कि फिर वो वापस गए धारी देवी मंदिर माता रानी की चरणों में प्रणाम करके फिर वो आगे बढ़ गए केदारनाथ। तो तब उन्होंने केदारनाथ की स्थापना करी थी। तो वो बताते हैं कि चारों तीर्थ की स्थापना शंकराचार्य जी ने करी थी और मठों की स्थापना भी शंकराचार्य जी ने की थी। तो अब आगे की जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं केदार घाटी की ओर। थोड़ा यहाँ पे नाश्ता कर लेते हैं, शानू को बहुत तेज भूख लगी हुई है, तो यहाँ नाश्ता करके फिर हम चलते हैं केदार घाटी। तो हिमालय हेली सर्विस पे हम 12 बजे पहुँच गए थे, तो आधे घंटे बाद हमारा लकी नंबर आ गया है, तो अब हम जाएंगे हेलीकॉप्टर से केदारनाथ। तो केदारनाथ बाबा के चरणों में। तो जब हमारा टिकट कंफर्म हो गया, जब हमारा मतलब आने ही वाला था हमारा हेलीकॉप्टर, तो मैंने कहा उससे पहले थोड़ी क्लिप तो बनती है, वीडियो बनती है, तो उन्होंने अंदर से तो मना कर दिया, आप भले बाहर से बना सकते हैं वीडियो लेकिन अंदर आपको कैमरा अलाउड नहीं है। तो भैया उसके खिलाफ तो हमने कहाँ जाना था, मैंने यहीं से बना ली बाहर से। हम केदारनाथ पहुँच गए हैं, आइए 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 सब लोग केदारनाथ। वाह हाँ, कितनी सुंदर है सीन वादियाँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मैं अपने आराध्य देव की चरणों में पहुँच गई हूँ केदारनाथ। तो आगे देखते हैं कहाँ तक वीडियो चलाने देते हैं या वीडियो बनाने देते हैं। नहीं बनाने देंगे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी मैं, कोई ऐसा नहीं है। तो कैसा लग रहा है आपको हेलीकॉप्टर में बैठ के केदारनाथ पहुंच के, बताइए जरा। जय बाबा केदार। बाबा केदार के चरणों में आके बहुत सुखद अनुभूति है, आनंद की अनुभूति है, और ऐसा लगता है कि हम अलौकिकता की चरम पर हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत विहंगम, बहुत ही आनंदित दृश्य है। बाबा केदार आप सब लोगों की मनोकामनाएं पूरी करें। आप सब जय भोलेनाथ। हाँ हो गया। जय भोलेनाथ। जय हो भोले बाबा। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। यहाँ बताते हैं कि जय भोलेनाथ, हर महादेव, जय भोलेनाथ का नाम पुकारा जाए तो बुलबुले हर हर महादेव। तो आपने देखा जय बाबा केदार, बुलबुले छूट रहे थे। जय बाबा केदार। वाह महादेव। ये देखिए मेरे आराध्य देव के चरणों में हम पहुंच गए हैं। जय हो केदार बाबा की, जय हो केदार बाबा की। सब पर अपनी असीम कृपा बनाए रखना, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या जो नहीं भी देख रहे हैं, सब पर अपनी असीम कृपा हमेशा बनाए रखना प्रभु। मुझे अंदर से कितनी खुशी हो रही है मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत अच्छा लग रहा है। इन्होंने मुझे अचानक, मतलब जिनको आना था वो नहीं आ पाए, उनकी जगह हम आ गए, तो ये अचानक बन गया हमारा प्रोग्राम। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद की है, बस बता नहीं सकते कितना आनंद आ रहा है। जय बाबा केदार की, जय बाबा केदार। तो हमें पंडित जी मिल गए हैं, पंडित जी हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने हमारे रहने सोने की व्यवस्था भी की है, तो थोड़ी वो पूजा कर देंगे। पता नहीं मेरा सांस क्यों फूल रहा है, मेरे समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा खड़े रह रहे तो फिर ठीक हो जा रही हूँ। हस्बैंड तो डर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, इतना सहन करना पड़ता है थोड़ा। तो हम जा रहे हैं गर्भगृह की ओर। हर हर महादेव। जय हो हर हर। तो ये एंट्रेंस है, ये नंदी बाबा देखिए।
तो भक्तों आप भी दर्शन कर लीजिए, नंदी बाबा के चरण स्पर्श कर लीजिए। जय हो नंदी बाबा की। ये देखिए, ये केदारनाथ केदार मंदिर का बैक साइड है और ये ऊपर है भीमशिला। इसके बारे में तो सभी जानते होंगे, ये भीम तो ये है वो भीमशिला, सब जानते होंगे। खैर, भीमशिला के बारे में मैं भी बता देती हूँ जो नहीं जानते होंगे उनको। तो ये जब आपदा आई थी तो ये इस बताते हैं कि ये वाली भीम मतलब बहुत बड़ी शिला है, तो इसने वो जो पानी का प्रकोप था उसको काफ़ी डिवाइड कर दिया था, यहाँ से डिवाइड कर दिया था, तो उससे मंदिर को बचा दिया। देखो, और यहाँ साइड से मंदाकिनी नदी आ रही है तो बहुत तेज़ पानी का फ्लोर था तो यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया था। ये भीमशिला कहीं से आई और आगे लग गई तो यहाँ पे इस शिला की वजह से ये मंदिर बच गया। तो ये बताते हैं, ये है आदि शंकराचार्य जी की समाधि। देखिए जी, आदि शंकराचार्य जी की समाधि, ये देखिए। जय हो। शाम की आरती के दर्शन करने को मिले। देखिए आरती चल रही है, बहुत अच्छा। देखिए श्रद्धालुओं की भीड़, बहुत भीड़ थी क्योंकि 15 को कपाट बंद हो रहे हैं केदारनाथ के, तो ये 13 तारीख का है। तो हमने शाम की आरती के दर्शन किए, आरती को बहुत ही सुखद अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए, ये देखिए, ये आरती चल रही है, बहुत सुंदर दृश्य, बहुत ही बस क्या बोलूं, भाव विभोर कर देने वाला दृश्य। और ये देखिए नंदी बाबा, देखिए नंदी बाबा भी सामने देख रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा था। फिर मैंने दीप प्रज्वलित किए, बहुत सारे दीप, जैसे कोई लाते हैं या फैमिली तरीके से कि सब लोग दीप प्रज्वलित करिए, दीप लगाइए, तो हमने भी लगाए बहुत अच्छे से। यहाँ टेम्परेचर माइनस में चला गया था, अभी तो शायद माइनस 2 या 3 था, शाम को 2-3 बोल रहे थे, अब इसके बाद तो कुछ ज़्यादा हो गया था, बहुत ठंडा था। लेकिन उस ठंड के बीच में भी बहुत मज़ा आ रहा था। हमने तो पहले आरती के बाद थोड़ा बैठ गए वहाँ पे, थोड़ा ध्यान व्यान करा, बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी ठंड। और लेकिन श्रद्धालुओं की भक्ति देखकर और सच में क्या अनुभूति हो रही थी वहाँ जाकर, बस मैं बता नहीं सकती। मेरे आराध्य देव के दर्शन करके मैं गदगद हो गई, बहुत अच्छा लग रहा था, मन ही नहीं कर रहा था, बस कमरे पे जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं तो फिर ये दीप जलाने लग गई और इसमें सब लोग कर रहे थे, बहुत से लोग कर रहे थे कि आप भी लगाना चाहते हैं दीप तो लगाइए, जितना भर सकते हो आप भरिए वहाँ पे जगह। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं देखिए, मैंने पहले तो स्वास्तिक ओम बनाना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा बहुत सारे दीप लगाने हैं, तो फिर मैं लाइन से एक एक करके लगाने लग गई, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। बाबा केदार में कुछ ध्यान नहीं, बस सिर्फ बाबा का ध्यान और बस, और कुछ मेरे को वहाँ पे कुछ ध्यान ही नहीं आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बस मैं बता नहीं सकती कि दीपों से क्या अनुभूति हो रही थी। और भी खूबसूरत दिखाई दे रहा, सब लोग जाएं, सब पर भोले बाबा का आशीर्वाद रहे, इसी दुआओं के साथ मैं
आप लोग देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। जय बाबा केदार। गुड भैया, थोड़ा ये साइड हो जाना। एक सेकंड, ये भले बंद करो, पाजी इसमें बत्ती नहीं। सब जलाओ, बत्ती दो। हां, आई लाइट लाइट रंगोली ला करते हो। ये कोटा पूरा ना ना, अभी कोटा और मिल गया। कैसे? अरे माथी पे पड़े हुए थे, दूरी पड़ी हुई थी, तेल हमारे पास आई। तेल तो मेरे पास भी एक था। जय शंकर की। तेल तो उनको दो भाई, बाबा की रात को धुनी चलाएंगे। अरे दिलवा देंगे उनकी भी धुनी को, दिलवा देंगे। और कौन सा धुनी से काम है? चले चलो फिर। जैनू आ, मैंने दीवा बेटा ही अंदा एकड़ो वीडियो। जय हो, जय बाबा की दा। कहता है परिवार इकट्ठा क्यों है? अरे ये जगह उसकी भी, वो और ये सुंदर दीप ज्योति थारी मैंने ना करे।